Wishing you a very happy and a vibrant day. Myself, Sushmita Sahu, and today I'm taking NCERT 12th class Vistas in English. And today I'm dealing with chapter 6, On the Face of It. On the Face of It, it is written by Susan Hill, and this is a conversation actually. दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन है. नाउ बिफोर वी रीड लेट अस आई विल रीड समथिंग फॉर यू. दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय मीटिंग इन द फार्मर्स गार्डन. व्हेन वी से फार्मर्स गार्डन दैट इज दे आर मीटिंग इन द ओल्ड मैन्स गार्डन. द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद अ बॉय हु इज वेरी विथड्रॉन एंड डिफिएंट. व्हाट इज द बॉन्ड दैट यूनाइट्स देम द टू. It ends with a question mark. So, ऐसा क्या bond है इन दोनों के बीच जो इन दोनों को unite करता है? Because एक वृद्ध है और एक छोटा सा बच्चा है. Thing is, जो ये दोनों हैं, they both are physically challenged. That is, they are suffering from physical impairment. Derry has one side of his face disfigured and burned by acid. The old man has a tin. जो डेरी है, जो बच्चा है, उसका जो फेस है वो एक तरफ से जला हुआ है एसिड गिर जाने के कारण. And the old man has a tin leg because his real leg got blown out during the war. और जो old man है उसका एक leg tin का बना हुआ है क्योंकि उसने एक अपना पैर war के during खो दिया था. तो ये एक समानता है दोनों में जो कि जो उनको दोस्त बनाती है. And then क्या कन्वर्सेशन होता है और कैसे वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, ये है इसकी स्टोरी. चलिए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. फॉर माय अदर थिंग्स यू कैन जस्ट सी लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं. हु इज मिस्टर लैम्प, हाउ डज डेरी गेट इनटू हिज गार्डन. नाउ मिस्टर लैम्प इज एन ओल्ड मैन विद अ टिन लेग. जैसा कि मैंने बताया ये ओल्ड मैन है और इनके गार्डन में डेरी कैसे घुसा. जो डेरी होता है वो उनके गार्डन में ही क्लाइम्स ओवर द गार्डन वॉल टू गेट इन टू हिज गार्डन. दो द गेट इज ओपन बट बॉय डजंट यूज द गेट एंड ही गेट्स इन टू द गार्डन ऑफ मिस्टर लैम्प. नाउ वील डू क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द बुक. वॉट इज इट दैट ड्रॉज डेरी टूवर्ड्स मिस्टर लैम्प इन स्पाइट ऑफ हिमसेल्फ. डेरी एंड मिस्टर लैम्प सफर फ्रॉम फिजिकल इंपेयरमेंट. Derry has one side of his face disfigured, burned by acid. The old man has a tin leg. Apart from these physical disabilities, Derry finds signs of loneliness and disappointment in Mr. Lamp's life. जो Mr. Lamp है उनकी life में एक loneliness है और disappointment है. The old man tries to overcome these feelings, but the sense of alienation felt by him is more painful than the pain caused by the physical disability. जो दर्द मिस्टर लैम्प महसूस करते हैं अपने एक अकेले होने के कारण वो उनके जो फिजिकल इम्पेयरमेंट है उससे ज़्यादा है. डेरी ट्राइज टू अवॉइड मीटिंग पीपल बिकॉज दे कंसिडर हिज फेस फ्राइटफुल एंड अगली. लोग डेरी लोगों से मिलना अवॉइड करता है क्योंकि उसको लगता है कि लोग को उसका फेस बहुत अगली लगता है एंड दे विल नॉट टॉक अबाउट हिम. And that's why he is also very lonely and very sad. Now we come to the next question. In which section of the play does Mr. Lamp display signs of loneliness and disappointment? कौन सा section है इस lesson का जिसमें Mr. Lamp ने loneliness and disappointment के बारे में पता चलता है? What are the ways in which Mr. Lamp tries to overcome this feeling? और वो कैसे इस feeling को overcome करना try करते हैं? तो मैंने इसका answer दिया है जो आप देख सकते हैं. The actual pain of inconvenience caused by a physical impairment is often much less than the sense of alienation felt by the person with disabilities. जो actual pain और inconvenience है physical impairment की, वो जो उनको एक अकेलापन महसूस करना पड़ता है physically impaired लोगों को, वो उनके physically impaired होने से ज़्यादा तकलीफदायक होता है. What is the better behavior? Madam, can I have the previous slide only? What is the kind of behavior that a person expects from other? दूसरों से वो कैसा behavior expect करते हैं? इसमें मैंने अपनी तरफ से आपको बहुत अच्छा answer देने की कोशिश की है. थोड़ा लंबा है पर it's very effective.
सो ट्राई टू गो विथ इट. प्ले है द फेस ऑफ ऑन द फेस ऑफ इट. ये एक फिजिकल इम्पेयर्ड लोगों के बारे में है कि उनके फीलिंग्स क्या होते हैं और उनका दर्द जो फिजिकल डिसेबिलिटी का है वो बहुत कम होता है उस दर्द से जो लोग आपस के अगल बगल के लोग जो एटीट्यूड उनकी तरफ शो करते हैं उससे उनको जो पेन होता है. बेसिक इसका यही कॉन्सेप्ट है. दे रिगार्ड, दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दैट आंसर ओनली. दे रिगार्ड हिज फेस एज हॉरिबल एंड अगली, शो साइंस ऑफ बीइंग स्केयर्ड एंड अवॉइड हिज प्रेजेंस. इन शॉर्ट ही इज डिसलाइक्ड, इफ नॉट हेटेड. ही इज नॉट एक्सेप्टेड एज एन ऑर्डिनरी. ये हम डेरी के बारे में बात कर रहे हैं. मेंबर ऑफ द सोसाइटी, सो ही डज नॉट लाइक पीपल टू लुक एट हिम. It is clear that the sense of alienation that these disabled persons feel causes them constant pain. Such persons expect kind and considerable behavior from others. They do not want tears, sympathy or pity. Unko koi kisi ki sympathy nahi chahiye hoti hai, daya nahi chahiye hoti. They dislike being pointed at, nicknamed, mocked or at or made fun of. They only demand reasonable behavior from others, full of appreciation of their difficulties. Now let's come to next. Will Derry get back to his old seclusion or will Mr. Lamb's brief association affect the change in the kind of his life, the way he was leading? जब वो Derry Mr. Lamb से मिला तो उसकी लाइफ में जो चेंज आया वो कंटिन्यू रहेगा कि वो फिर से अपने एकाकीपन में या अकेलेपन में चला जाएगा. उसका ये आंसर है. आप इसको रीच करें, इसको लिखें और लर्न करें. इट्स वेरी शॉर्ट एंड वेरी ईजी इंग्लिश. With this, thank you very much. My links are given at the description box. Kindly go through it. आपको हर विस्टास के लेसन का लिंक वहां मिलेगा जहाँ की क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं. साथ ही साथ शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में लेसन को डिस्क्राइब भी किया. With this, thank you very much.